गुड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने नामांकन पर्चा भरा। नामांकन से पहली जनसभा का आयोजन हुआ जहां केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बता दें कि गोड्डा सीट बीजेपी से निशिकांत का मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप यादव से है। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे हमारे साथ मौजूद है। राजनाथ जी ने कहा कि जब भी संसद में जरूरत होती है तो एक गंभीर व्यक्ति का चयन किया जाता है और उसमें आपके नाम का जिक्र किया, क्या जनता का भी यही रिस्पांस हमें ग्राउंड जीरो के जरिए देखने के लिए मिलेगा? आपको खुद ही जनता के पास जाना चाहिए, मुझे लगता है कि यह रिस्पॉन्स है। और इस बार गोड्डा लोकसभा जो है झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से जीती जाने वाली लोकसभा होगी। यहाँ का चुनाव एक तरफा है और 20-22 के बाद आपको दिखाई देगा कि किसी गांव में कोई विरोधी की कोई गाड़ी अंदर नहीं जा पाई। निशिकांत जी, मैंने ग्राउंड जीरो की कवरेज की है, मैं धनबाद भी गई, गिरिडीह भी गई, जनता ने दो मुद्दे उठाए, एक था एम्स और दूसरा था एयरपोर्ट। लगता है ये जो दो मुद्दे आपने जिन मुद्दों पे काम किया है, इस बार चौथी बार जनता का बहुमत आपके साथ बड़ी संख्या में? नहीं, गोड्डा के लिए सबसे बड़ा रेल था जिस पर के आप चढ़कर आई है। गोड्डा में आजादी के 75 साल के बाद रेल पहुंची, वो मोदी की गारंटी में पहुंची। मैंने पिछली बार कहा था, वायदा किया था कि 2019 में कि जब मैं 2024 में नामांकन करने आऊंगा, यदि पार्टी टिकट देगी तो मैं रेल से आऊंगा। मैं रेल से आया। अब मैंने दूसरा वादा किया है मोदी की गारंटी में कि जब अगली बार नॉमिनेशन करने या कराने गोड्डा आऊंगा तो गोड्डा के सारे कार्यकर्ताओं को इसी ट्रेन से जो है बटेश्वर स्थान, यहाँ उत्तर वाहिनी की गंगा है, वहीं ले जाऊंगा, गंगा स्नान कराऊंगा, वहीं भोजन कराऊंगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। के साथ मैं भावना निश्चला, भारत गोड्डा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।